गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो मजुमदार? कल जैसा ही। तुम टॉयलेट जाने के भी लायक नहीं रहे। पेपर में आया क्या? टोपी के नीचे दिमाग दिया, उसका इस्तेमाल करो। बिना अकल की बहादुरी बेवकूफी है। जब भी मैं अकल दौड़ाता हूँ दिमाग का लूज मोशन हो जाता है। नमस्ते। इनका क्या प्रॉब्लम? सर राइट वाले ने लेफ्ट को मारा, लेफ्ट वाले ने राइट को मारा, बीच में हम फंस गए। सर इस आदमी ने मुझ पे हाथ उठाया, मैं इस पर केस करना चाहता हूँ। क्यों मारा तुमने इसे? सर ये दारू पी के मेरे घर आके मेरे बीबी के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मारा। इसके बदले में इसको मेरे साथ बदतमीजी करनी चाहिए थी, पर इसने मुझे मारने की कोशिश की। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ले जाऊंगा। सर बदतमीजी का बदला बदतमीजी होना चाहिए। किसी की बीवी को छेड़ेगा तो मार ही खाएगा ना। मैंने मारा तो मुझ पर केस करेगा? नहीं सर। तेरी इस कंप्लेन की वजह से तेरी FIR लिखनी होगी, तुझे जीप में बिठाकर कोर्ट ले जाकर वापस भी लाना होगा। मेरे डीजल का खर्चा, गवर्नमेंट का पैसा, कोर्ट का टाइम सब वेस्ट करेगा तू। दारू पी के किसी की बीवी को छेड़ेगा तो वो तुझे मारेगा, नहीं तो क्या तेरी चुम्मी लेगा। ज्यादा बोला तो जुबान काट लूंगा। चलो हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। चप्पी कौन देगा? अरे चप्पी दे। अब ऐसे ही बाहों में बाहें डाले घर तक जाना। ठीक है सर। ये क्या सर, सारी सेटलमेंट आप यहीं पुलिस स्टेशन में बैठकर करेंगे तो फिर जज और वकील क्या करेंगे? माना कि मैं यहाँ का चीफ इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन इसी गांव में पला बड़ा हूँ। गांव के सभी के साथ मेरा कोई ना कोई रिश्ता है। समझ गया, लेकिन अगर हम एक भी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे तो गवर्नमेंट को लगेगा कि हम कामचोर हो गए हैं। आपका पगार बंद, मेरा पगार बंद, पुलिस स्टेशन शट डाउन। अरे यही तो मैं चाहता हूँ। सर खाने के वांदे हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, मैं तो अपनी छोटी सी दुकान खोलना चाहता था। वो तो बाबूजी की वजह से पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। अगर पुलिस स्टेशन बंद हो जाएगा ना तो अपना स्टोर खोलूंगा, सिंघम जनरल स्टोर। सपना सपना। सर आप तो खोल लेंगे, मेरा बंद हो जाएगा। तुम्हें स्टोर में नौकरी दूंगा। एक से एक आइटम आएगी। एक किलो धनिया। सर ये क्या, पूरे दिन का पगार तो वसूल करो, आप कहाँ जा रहे हो? हमारे गांव और पास वाले गांव में फुटबॉल मैच हो रहा है, मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम यहाँ संभाल लेना। सर ड्यूटी टाइम के बीच में बॉल से नहीं खेलना चाहिए। हमारा कोई ड्यूटी टाइम नहीं होता, रात को 2 बजे भी काम करना पड़ता है। दिवाली या न्यू ईयर हमारे लिए सब एक जैसा ही है, हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती। मिलती है क्या पंटर लोग? नहीं सर। जब भी मौका मिले खेलते कूदते रहो, तुम भी खेलो। यस सर। अब मैदान में सिंघम आ गया है। अब अरे सिंघम, दोनों टीम्स का स्कोर सेम है, हमें 5 मिनट में कैसे भी करके एक गोल मारना पड़ेगा। फिकर मत कर, 5 मिनट में 5 मार लेंगे। गोली से भी तेज भागे, जिसकी आंखें चील जैसी। यहाँ इसके सब दीवाने, नाचे और बजाए ताली। चारों तरफ किसी में भी नहीं है वो दम, रोक सके सिंघम के बढ़ते कदम। Hope you had a nice flight. ये दोनों ऐसे क्यों देख रही है? तुम्हें हमेशा फर्स्ट क्यों आती हो? इसमें बुरा क्यों मान रही हो? सेकंड तो आई हो, ये बेचारे तो थर्ड फोर्थ आए हैं। चलो यहाँ से। काव्या मैडम, प्रिया मैडम, शाहरुख, नहीं आमिर, सलमान, बस काना लीवर। हाँ जानती हूँ, मजाक कर रहे थे। डैडी लगेज में आ रहे हैं। डैडी लगेज लेकर आ रहे हैं। नमस्ते जी, कैसे हो? अरे हेलो रोशन जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, पर आपका यहाँ कैसे आना? बच्चे दादा दादी के साथ वक्त बिताना चाहते थे तो मैं उन्हें यहाँ ले आया। अब तो आप यहाँ कभी दिखाई नहीं देते, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। हाँ काम के सिलसिले में मुझे अक्सर बाहर जाना पड़ता है। काव्या तुमने बैग्स ले लिए? हाँ बस लेकर आ ही रही हूँ, स्कूल के बाद सीधे घर आना। बच्चों के बैग में किताब रखी है या पत्थर? कितना भारी है। मजाक बंद करो, 2 दिन से घर क्यों नहीं आए? अरे पुलिस स्टेशन में मेरे बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। चलो भूखे को खाना तो दो। तुम जल्दी आज ही अपने अकाउंट्स खत्म कर दो, कल हमें सीटी ऑफिसर से मिलने जाना है। बाबूजी कब तक एक एक दो दो रुपए वाली पुड़िया बांधते रहोगे? कोई बड़ी सी दुकान खोल लो। तुम अपनी बकवास बंद करो, समझे? और कितने सालों तक सब इंस्पेक्टर रहोगे? मैं पिछले 8 सालों से ड्यूटी कर रहा हूँ और आपका बेटा 3 सालों से, लेकिन सैलरी उतनी की उतनी, ना वो रिश्वत लेता है ना मुझे रिश्वत लेने देता है। रिश्वत के बगैर घर चलता है क्या माँ? मेरे बेटे के बारे में उल्टा कहा तो कॉफी में जहर डाल दूंगी। हाँ तुम जानते हो अभी तक तुम्हारा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? दुकान में फोन करो और सामान के बारे में पूछो। हेलो सामान आया क्या? कब का आ गया? आ गया, उससे पूछो कब आया था।
3:30 बजे आ गया था। कितनी बोरियां आई हैं? कितनी बोरियां? कौन सा साबुन? कितने पैसे? कितने लीटर? कितने लोग? कब? थक गया, एक ही बार में हर चीज पूछवाओ ना। दीदी खाना ला रही हूँ। सोनू सिंघम जी बाबूजी, जरा दुकान पर फोन करो और पूछो सामान आया कि नहीं। जी बाबूजी। बेटा बैठ के बात करो ना। हाँ ठीक है बाबूजी, 3:30 बजे लॉरी आ गई थी, सब मिला के 48 बोरियां हैं। 5 चावल की, उड़द दाल की 4, गेहूं की 22, धनिया 2, मिर्ची 2 और नमक की 5। जितना सामान चाहिए था आ गया है। उन्होंने कहा है आप हिसाब करने के लिए शाम को उनकी दुकान पर ही चले जाइएगा, वहीं बात कर लीजिए। ये टीचर क्यों नहीं बना? मजुमदार, मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम कहा और तुमने 20 कॉल्स किए। इसने सिर्फ एक फोन किया और 20 चीजें पूछी, इसीलिए तुम अभी तक सब इंस्पेक्टर हो। मजुमदार जी सर, उस कमरे में जो मुजरिम है उसे बाहर निकालो, कोर्ट ले जाना। ये पहला इंस्पेक्टर है जिसने अपने घर को ही जेल बना दिया है। चल चल बाहर आ, एसी में बहुत आराम कर लिया, वक्त आया है कोर्ट जाने का। चल निकल। सुनो इसे खाना खिलाकर ही भेज। मटन बिरयानी खिलाओगे? चिकन बिरयानी? ये सरकारी दामाद है, हमारा नहीं। मुजरिम को जेल ले जाने के बजाय घर पे लेके आयो? इसे मैंने कल रात को पकड़ा था, सोचा इतनी रात को इसे पुलिस स्टेशन कहाँ ले जाऊँ, इसलिए यही ले आया। वैसे यहाँ रुको या पुलिस स्टेशन में क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो अपनी निगरानी में। चलता हूँ बाबूजी। उंगली उंगली मारूंगी एक। बस इधर ही रोक देना, इन सबको कोर्ट में ले जाना है। मजुमदार मैंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बात कर ली है, मैं जीप में आगे निकलता हूँ, तुम कैदियों के साथ बस में आ जाना। यस सर। ये क्या है? सर इस आदमी को भागने का बड़ा शौक है, पिछली बार हमने इसे सीट से बांधा था तो सीट के साथ बस से कूद गया, तो इस बार बस के साथ बांध देना। सर आप मेरा प्रमोशन क्यों रोक रहे हैं? ये बस को भी भगा ले जा सकता है पर मुझे नहीं। ठीक है जो करना है करो। वेलकम सर। ऐसे क्या घूर रहा है रावड़ी? आंखें निकाल के कोटियां खेलूंगा। बदबू की दुकान बच्चे की लेगा क्या जान? अब तो मेरा प्रमोशन पक्का। अरे बस रोको ना, 1 नंबर आया मुझे। 2 नंबर आएगी तो भी बस नहीं रुकेगी, जो भी करना है यहीं पे कर। तो ये बात है तू? अरे मर गया, क्यों आलू की तरह मेरा पिछोड़ा छील रहे हो? पिछले से स्पार्क निकल रहा है। तू जलने की बदबू आ रही है क्या? सिर्फ जली नहीं है, जलकर कोयला हो गई है। जो थोड़ी बहुत बची है बचा लो, वरना कल के वांदे हो जाएंगे। आजा मेरी गोदी में बैठ जा। चल, 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 चल। देखो कानून को हाथ में लेना गलत है, तुमने तो गोद में ले लिया। वहीं पर रुक जा नहीं तो मुझे लाठी चार्ज करना पड़ेगा। अरे सर आप कैसे लटक गए? तेरे बगल से पहले इतनी बदबू आ रही थी। सर उड़ी मारो, हम लोग कैच कर लेंगे। बगल की बात तो ठीक है, अब गैस मत छोड़ना वरना सलाइन चढ़ाना पड़ेगा। गाना साहब पुलिस वाला हो गया भी आपको भगा के लाया। जमदार साहब ये लो चाबी। अरे आपने क्या हाल बना लिया है अपना? पहले तो पैंट खाली फटी थी, अब गीली भी हो गई। डिपार्टमेंट से बात करके कार ले लो। पेट्रोल के पैसे तू देगा? क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे शेर आ गया, भाई छोड़ो भागो। सिंघम के गांव में शेर क्यों नहीं आ सकता सर? 6 महीने पहले चींटी के साथ एक हाथी आया था, लगता है शेर ने उस हाथी से पता पूछ लिया होगा। पता क्यों गए? बिना ठंड के क्यों कांप रहे शेर? ऐसे शेर कहां है? शेर कहां? उस तरफ। मम्मी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, लगता है मेरी निकल गई है। दो पैर वाला शेर? रुक साले शेर, बता कौन है तू, कौन से जंगल से आया? चूहे को पीछे से झपटी, सिंघम के गांव वालों को डराता है। फीमेल शेर? कौन सी सर्कस से आई हो, आधी रात को इन कपड़ों में क्या कर रही? मैं तो बस। गांव कौन सा है? यही मेरा गांव है। मैं गंगाराम की पोती हूँ। पागल हो गई हो, पूरा गांव तुम्हारी वजह से डर के भाग रहा है। मैं तो बस अपनी बहन को डराना चाहती थी, लेकिन सब गाँव। अकल से पैदल हो गया? गाँव वालों ने मिलकर तुम पर हमला कर दिया होता तो, कोई काट देता तो, और मैंने तुम्हें बंदूक से शूट किया होता तो। उल्लू की पट्टी, जाओ अपने घर जाओ। ये शेर का कॉस्ट्यूम कौन उतारेगा? तुम इतनी उदास क्यों हो? उल्लू की पट्टी कहा उसने मुझे, मैं तुम्हें उल्लू दिखती हूँ? उसने मेरे गाल पे चाटा मारा, मैं उसके दोनों गालों पे चाटे मारूंगी। काव्या मैडम पागल हो गई है क्या? पुलिस वाले की सुधाई करेंगी?
पुलिस वाला है तो क्या हो गया, मैं उससे बदला जरूर लूंगी। प्रिया मैडम, क्या हुआ? अपनी प्रेम की भाषा से इनमें प्रेम जगाइए। आप इसे जानते नहीं है, एक बार हम गाड़ी से जा रहे थे तभी एक बाइक वाला वहाँ से आया और उसने इसे देखकर आंख मारी। अरे बाप रे, उसका पीछा किया और सिग्नल पे उसे ठोक दिया। बेचारे की हड्डी पसली एक हो गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या, दीदी ने उसे आंख मारी और हिसाब बराबर। ओ, ये आपने बहुत गलत किया, आंख मारने के लिए आपने उसे ठोकर मार दी। वो कहाँ मिलेगा ये बता। कल उसका गुरुवार है और वो गुरुवार को मंदिर जाता है। जैसे ही वो पूजा के लिए आंखें बंद करेगा मैं उसे कस के चाटे मारूंगी और फिर हम भाग जाएंगे। दीदी शेरनी माता रानी के दर्शन के लिए। सब इंस्पेक्टर साहब मंदिर में पूजा करने आए हैं? नहीं, तेरी लुंगी में बॉम्ब रखने आए हैं। ये कोयले की दुकान एक दिन मेरे हाथ से मार खाने वाला है। काव्या मैडम, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दीदी यही मौका है, चौका मार दो। एक्सक्यूज मी सर, मैंने क्या पाप किया है? क्या बोल रहा है तू? या आप अपने आप से पूछिए, इस खूबसूरत चेहरे पर मारने से पहले आपने सोचा नहीं? मैंने नहीं मारा। आपने नहीं मारा तो मुझे कैसे लगा? प्रसाद लो बेटा। पुजारी जी, मैंने आज तक रिश्वत नहीं ली और ना ही किसी लड़की को छेड़ा, तो मुझे चाटा किसने मारा? ऊपर वाले ने मारा होगा। वैसे मैं ही मिला। जय जय शिव शंकर। नारियल सर, आपको मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? कभी चाटा कभी नारियल। अरे वहाँ फोड़ रहे हैं, गलती से उड़ कर आ गया होगा। शेरनी यहाँ। हाँ तो यह हमें जेल में तो नहीं डाल देगा? शुभ शुभ बोल। कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा मतलब है, तुम पर हाथ उठाकर मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे लगा तुम कोई चोर हो। वैसे मैं कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। अगर तुम अब भी मुझसे नाराज हो तो तुम मुझे चाटा मार लो, मैं नाराज नहीं होऊंगा, फिटूस हो जाएगा। हाँ लेकिन गाल पर मत मारना, और कहीं भी चलेगा। हैंडसम होना चेहरा खराब हो जाएगा। चलता। दीदी क्या कहा उसने? डांट रहा था क्या? प्रिया ये जैसा सोचा था वैसा नहीं है। ये तो बहुत ही नेकदिल इंसान है। ये लीजिए मैडम, इस पत्थर से उसका सर फोड़ दो। उल्लू के पट्टे, इतने अच्छे इंसान को तुम मारने की बात कर रहे हो? इसे अपने ही सिर पे मार। उसने दो मीठी बातें क्या कर ली, इसने तो पार्टी ही बदल दी।